नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुजरात लोकल बॉडी इलेक्शन में एक बार फिर से बजा बीजेपी का डंका। जिला पंचायतों और तहसील पंचायतों में एक बार फिर से दिखी बीजेपी की लहर। तो जिस तरीके से लगातार लोकल बॉडी इलेक्शन में जनता जिस तरीके से बीजेपी को सराह रही है, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम विपक्षी पार्टी प्रदेश में जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रही थी, साफ तौर पर लोकल बॉडी इलेक्शन में प्रदेश की जनता ने यह साफ कह दिया कि अब आप लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस तरीके से अपने किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक जिस तरीके से जनता को रुझाने की नजर आ रहे थे, राहुल गांधी इस तरीके से लगातार गुजरात इलेक्शन पर को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब ये साफ तौर पर बड़ा झटका उन तमाम विपक्षी पार्टियों को लगा है। क्योंकि साफ तौर पर प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी को जिताकर वाकई ये बता दिया है, विपक्षी पार्टियों को चेता दिया है कि अब गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी जो मेहनत कर रही है, जोर आजमाइश करने की जो कोशिश कर रही है, वह पूरी तरीके से जनता ने उसको नकार दिया है। तो आपको बताते चले कि इससे पहले 6 महानगर पालिकाओं में भी हमने देखा था कि कैसे बीजेपी ने अपना डंका बजाया था और कैसे कांग्रेस की किरकिरी हुई थी। और एक बार फिर से आपको बताते चले कि 81 नगर निकाय, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत के लिए चुनाव किए गए थे, जिसको लेकर आज सुबह से ही लगातार वोटों की गिनती जारी है। और तमाम कई ऐसे लोग जो तमाम तरीके की बातें गुजरात चुनाव को लेकर लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर करते नजर आ रहे थे, उनको अब लगातार बड़ा झटका यहां पर लगा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी की एक के बाद एक जो प्रचंड जीत प्रदेश में होती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर इशारा करती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से बीजेपी की सरकार प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बनेगी। तो जिस तरीके से लगातार आज चुनाव परिणाम का दिन है और 6 महानगर पालिकाओं में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब मंगलवार को जिस तरीके से 231 तहसील पंचायतों और 81 नगर निकाय के नतीजे सुबह से परिणाम आ रहे हैं, और जिस तरीके से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि जो बीजेपी ने जमीन में जाकर जनता के साथ जो मेहनत की है उसकी मेहनत अब रंग ला रही है। क्योंकि साफ तौर पर लोकल बॉडी इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें आप जमीनी तरीके से ये जान पाते हैं कि जनता किसको अपना देना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था इससे पहले 6 महानगर पालिकाओं में कैसे बीजेपी ने अपना डंका बजाया था, और अब एक बार फिर से नगर निकाय और जिला पंचायतों के चुनाव में भी साफ तौर पर जनता ने यह हरी झंडी दे दी है कि अब की बार एक बार फिर से प्रदेश में मोदी की सरकार होगी। और अब तक के परिणामों में साफ तौर पर भाजपा का जलवा लगातार कायम दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस का सूपड़ा लगभग साफ होता दिखाई पड़ रहा है। आपको बताते चले जिस तरीके से कांग्रेस में हमने देखा था कि अभी पिछले दिनों 6 महानगर पालिकाओं के चुनाव के परिणाम सामने आए थे तो कैसे हार्दिक पटेल ने खुद की पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई और उन्होंने खुद के बल पर अपने पैसे लगाकर अपनी संपत्ति लगाकर जगह जगह पर रैली की थी। कांग्रेस आला कमान ने रैलियों को लेकर जनसंपर्क को लेकर कोई खास रणनीति नहीं बनाई थी और यही वो बड़ी वजह थी कि जो 6 महानगर पालिका कांग्रेस के हाथ से निकल गई। और 6 महानगर पालिका ही नहीं, और अब जो इलेक्शन जो लोकल बॉडी इलेक्शन, चाहे बात करें नगर निकाय चुनाव की, चाहे बात करें जिला पंचायतों की, चाहे बात करें तहसील पंचायतों की, सब में जिस तरीके से लगातार बीजेपी का आंकड़ा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर ये बयां करता है कि एक बार फिर से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम अलग अलग प्रदेशों की अगर हम बात करें तो कैसे कांग्रेस के हाथ से एक के बाद एक राज्य निकलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके तमाम प्रदेशों से सबक लेने के बावजूद भी यह सबक ना लेते हुए कांग्रेस बार बार मुंह की खाती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि एक बार फिर से जिस तरीके से गुजरात की जनता ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें गांव गांव में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विकास चाहिए, विकास के काम चाहिए, ना कि देश विरोधी बातें चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस जिस तरीके से तमाम देश विरोधी बातें करती है, फिर चाहे बात किसान आंदोलन की हो, फिर चाहे बात CA को लेकर हो, फिर चाहे बात तमाम जो
देश हित में कानून मोदी सरकार लेकर आती है उनकी हो, लगातार वो सिर्फ और सिर्फ जनता को समझाने की बजाय बरगलाने का लगातार वो काम करती हमेशा से आई है, और यही वो वजह है कि अब देश की जनता, प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से नकार रही है कि ना वो घर की और ना वो घाट की, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो कांग्रेस में घटनाक्रम सामने आ रहा है, फिर चाहे वो बात करें पश्चिम बंगाल की, चाहे बात करें गुजरात की, चाहे बात करें मध्य प्रदेश की, चाहे बात करें राजस्थान की, अलग अलग राज्यों में कैसे कांग्रेस में लगातार दो फूट की तस्वीरें सामने आती रही हैं। और अगर हम बात करें G23 की कि कैसे गांधी परिवार से हटकर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी खुद की रणनीति बनाने को लेकर खास बैठक की थी, जिसमें साफ तौर पर हमने देखा था कि कई ऐसे चेहरे जो खुद की पार्टी को लेकर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए थे, और यही वह वजह है कि कांग्रेस इस तरीके से जो धरातल पर जो चुनाव होते हैं, जो जमीनी चुनाव होते हैं, उस पर हार जाती है, क्योंकि पार्टी अपने ही गृह कलेशों को निपटा नहीं पा रही, और जिसका नतीजा साफ तौर पर यह सामने निकल कर आता है कि उसे विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं वहां पर भी जनता कोई जगह देती हुई नहीं दिखाई पड़ रही, और यही नतीजा अब गुजरात में साफ तौर पर देखने को मिला, जहां पर साफ तौर पर गुजरात की जनता ने, गाँव की जनता ने, छोटे छोटे कस्बों की जनता ने साफ तौर पर कांग्रेस को उखाड़ फेंक दिया, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए प्रदेश में दिखाई दिए थे कि वो गुजरात में अगर उनकी सरकार बनती है तो वह गुजरात में बिजली मुफ्त कर देंगे, शिक्षा मुफ्त कर देंगे, स्वास्थ्य मुफ्त कर देंगे, तो दिल्ली के तर्ज पर लगातार गुजरात को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल करने की कोशिश वाकई लगातार हालांकि करते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन प्रदेश की जनता ने इस लोकल बॉडी इलेक्शन में साफ तौर पर यह करारा तमाचा सबको मारते हुए साबित कर दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम जनता को करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के लिए तमाम जुमलों को लेकर आते हैं, लेकिन क्योंकि प्रदेश की जनता ने गुजरात में वो विकास देखा है, गुजरात में वो विकास का काम देखा है, और यही वजह है कि एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि गुजरात की जनता का धन्यवाद, और इसके अलावा अमित शाह ने भी यह कहा था कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है और बाहर के लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें हमारी जनता को बरगलाने की, लेकिन जनता को उनकी बातें नहीं समझ आएंगी। तो वाकई साफ तौर पर यह बड़ा झटका एक बार फिर से तमाम विपक्षी पार्टियों को लगा है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसको लेकर तमाम तरीके की रैलियां तमाम विपक्षी पार्टी करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन एक के बाद एक मुखी खाने के बावजूद अब पार्टियां ये समझने में नाकाम थी लग रही हैं कि अब प्रदेश की जनता ये ठान चुकी है कि अब आगामी चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार ही बनानी है, और जिसको लेकर आपको बताते चले कि संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर साफ तौर पर गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन पर ट्वीट किया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि आज गुजरात में जिस प्रकार लोकल बॉडी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उसे इस साफ तौर पर सिद्ध होता है कि देश में बंटवारे की राजनीति नहीं बल्कि केवल विकास की राजनीति चलेगी। इसके लिए गुजरात की जनता, गुजरात की भाजपा सरकार को बहुत बहुत बधाई और सभी कार्यकर्ता का हार्दिक अभिनंदन। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले गुजरात में कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, सभी अब पार्टी कार्यालय पहुंचने को तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अब बड़ा जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि इससे पहले 6 महानगर पालिकाओं में बीजेपी का डंका बजा था, और एक बार फिर से जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में, जिला पंचायतों के चुनाव में कैसे प्रदेश की जनता ने, गांव की जनता ने जो बीजेपी को चुना है, ये वाकई एक बड़ा इशारा करती है कि अब की बार एक बार फिर से गुजरात में मोदी की सरकार बनने वाली है। और ऐसे में वाकई अब ये बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस बार बार मुंह की खाने के बाद इन सब चुनाव से सबक क्यों नहीं लेती, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता भी कई बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर चुकी है कि क्यों बार बार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की राजनीति को लेकर कांग्रेस तमाम तरह की बयानबाजी करती है, लेकिन धरातल पर अगर काम करने की बात की जाए तो कांग्रेस सन्नबट्टा सन्नाटा नजर आती है। ऐसा क्यों आखिर है? देश की जनता को अब ये जवाब चाहिए कि क्यों आखिर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करण की राजनीति करती है, सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों को साथ देने का काम करती है, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर जाकर जनता से मिलने के, जनता की बातों को सुनने के, वो सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें कर
सिर्फ और सिर्फ जनता के वोट लेना चाहती है, जिसका नतीजा साफ तौर पर यह रहा कि अब गुजरात से भी हाथ धोना पड़ रहा है कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छोटी छोटी सीट जो कांग्रेस के पास थी अब वो भी हाथ धो बैठे हैं। कांग्रेस अपना खाता बिल्कुल भी नहीं खोल पाई, हालांकि एक आधी सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई जरूर पड़ रही है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ने सूरत में एक रोड शो भी किया था, जिसको लेकर सीआर पाटिल और अरविंद केजरीवाल में जुबानी जंग भी तेज हुई थी। लेकिन बावजूद इसके आपको बताते चले कि एक बार फिर से जो बीजेपी को जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो सपोर्ट दिया है, जो समर्थन दिया है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करती है कि अब देश के कोने कोने में, फिर चाहे बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन प्रदेशों की, फिर चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की, फिर चाहे बात करें तमाम उन राज्यों की जहां पर विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, साफ तौर पर देश के कोने कोने में बीजेपी का डंका बजेगा और मोदी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की लहर देश के कोने कोने में बहेगी, जिसका जवाब अब साफ तौर पर गुजरात लोकल बॉडी इलेक्शन में भी साफ तौर पर जनता ने देकर ये बता दिया है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।